सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज यार, आज ना बहुत ही देर में उठाऊँ मैं, मतलब 8 बज गया था तब उठा, क्योंकि पता नहीं सोता रहा भाई, नींद बहुत ही तेजी तेजी लगी थी सुबह सुबह। तो भाई यार, अभी ना करते नाश्ता, पहले तो नहा लेते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, फिर आज यार जाना है राजपुर, क्योंकि यार कुछ सामान वगैरह लाना है मार्केट से। तो भाई यार, अभी ना नहा धो के हो गया हूँ रेडी जाने के लिए मार्केट। तो भैया यार रेडी हो रहे हैं, वो भी हो जाए, फिर उसके बाद चलते हैं यार थोड़ी देर में। और गाड़ी तो मैंने निकाल के यार बाहर खड़ी कर दी है, तो फिर यार इसके बाद निकलते हैं भाई यहाँ से। और भाई धूप हो गई है, 10 साढ़े 10 हो गया, एकदम कड़क कड़क धूप, एकदम दिमाग खराब हो जाएगा भाई। भाई यार राजपुर तो आ गए, लेकिन भैया अभी अंदर गए, मतलब उनके एक दोस्त हैं वो मिलने आए थे उनसे। भाई इतने टाइम बाद घर पे आए, तो दोस्त वगैरह तो यार मिलते ही हैं, तो चलते अपन भी अंदर। वो यहीं शॉप में एक आए, यहीं पे बैठे हैं, तो अपन भी चलते थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उसके बाद शॉपिंग वगैरह करनी है, फिर पापा को लेने जाना है वहाँ पे, अस्पताल में छोड़ के आए, उनको थोड़ा काम था ना डॉक्टर के पास, फिर उनको लेके फिर वापस घर चले। थोड़ी देर वहाँ पर रुकने के बाद हम लोग आ जाते हैं मार्केट। मार्केट से यार सब्जी वगैरह लेते हैं, उसके बाद लेकिन लेने चले जाते हैं पापा को। पापा को लेके आते हैं, फिर यार वापसी घर होती, क्योंकि यार अब कुछ लेने नहीं था। भाई यार सुबह से आए मार्केट में, और अभी ना शाम के बज रहे 3, तो अभी सब कुछ हो गई है मार्केट वगैरह, तो अभी जा रहे हैं घर पे बस, और थोड़ा बहुत कुछ लेना है घर के लिए, बस ऐसे खाने के लिए, फिर चलते घर। जब घर वापसी जा रहे थे तो भाई एकदम इंजन अपना गर्म जैसा फील होता है, तो मैंगो शेक ले लेते हैं, और एकदम ठंडा ठंडा मैंगो शेक जब पीते हैं तो भाई क्या ही आनंद की अनुभूति होती है, मज़ा आ जाता है। उसके बाद गाइज यार अपने को आनंद तो मिल चुका था, लेकिन अपनी जो बाइक थी उसको भी यार कुछ पिलाना बनता है, तो वो तो भाई पेट्रोल ही पीती है, तो उसको लेके जाते हैं पेट्रोल पम्प पर, और भाई पिलवाते हैं इसको पेट्रोल पम्प। पेट्रोल पम्प पिलाने के बाद, मतलब पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल पिलाते हैं इसको, पेट्रोल पम्प नहीं पिलाते हैं, ओके। तो ये पेट्रोल अपना पीने के बाद इसका जब कोटा पूरा होता है तो इसको लेके आ जाते हैं वापसी घर। क्या ही गर्मी है यार, पूछो मत, खतरनाक भाई। तो भाई यार फाइनली यार घर पे तो आ गए, और भाई एकदम गर्मी गर्मी हो रखा है। तो भाई ये ना पहले ये कपड़े चेंज करते हैं भाई, नए कपड़े पहनो ना, पता नहीं एकदम क्या फील होता है, जैसे इसमें गर्मी घुस जाती, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है इनको पहन के। तो भाई अपने असली अवतार में आते हैं पहले। तो भाई यार आउटफिट वगैरह तो चेंज कर लिया है, अभी ना यार थोड़ी देर चल के यार गेम खेलते हैं। लेकिन भाई गेम में यार मैं 2 दिन से खेल नहीं रहा हूँ, क्योंकि भाई यार रात को ही खेलता हूँ, क्योंकि दिन में तो भाई फ़ोन एकदम गर्मा गर्म हीट हो जाता है, और आज मौसम एकदम थोड़ा वैसा दिख रहा है डेंजर टाइप का, यानी कि आंधी तूफान टाइप का, लेकिन धूप भाई खतरनाक निकली अभी भी। तो खेलते हैं थोड़ी देर, हो सकता है मे भी अभी यार राजपुर मुझे दोबारा से जाना पड़े, अभी दोबारा से क्यों जाना पड़े तो देखते हैं, जाना पड़ सकता है, नहीं भी जाना पड़ सकता है, मतलब जाना पड़ सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। आम का अचार डाल दें ये लो, ओलो और डारो तो फिर ओलो, ये भी लो, कितना डार बताइयो ना सहलो के जा है। इसमें तो गाइस मिठाई भी पले दी इतनी, और डारो बट्टी ये निकल आओ, डर सबरी मीठी हो जाए फिर अचार ले तो राम दे हल्ले, तो फिर दो बे तो इन मंगाओ तो हल्ले। हाँ नई रेसिपी भाई हाँ ना पता चले मीठी हो जाए फिर अचार, ठीक है मैं राम दे बस बन गो अचार, आओ का खाए, हाँ खा ले अभी खाया नहीं जाएगा मेरे को पता है, इतना तो मजाक कर रही मेरे साथ में मम्मी, ये जार इसको भर दो फिर इसको 1000 रुपए केजी बेच आएंगे। अचार वाले आ गए, 1000 रुपए किलो अचार महंगा अचार है मेरे पास, ब्रांडेड अचार रखते हैं, किसको खरीदना है चल झूठा। अभी ना मैं आया था ऊपर छत पे, यहीं पे एकदम मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो यहीं पे था। तो अभी यार भैया यार जा रहे हैं आज, तो भैया को लेके यार राजपुर जाना है मेरे को, तो चलो यार चलते हैं, क्योंकि उनकी बस यार छूट गई, तो फिर आना पड़ेगा फिर से वापस। भाई यार राजपुर तो पहुंच गया हूँ, हालांकि अभी यार बस नहीं आई है, मैं सोच रहा था कि बस छूट ना जाए भाई, तो इसीलिए एकदम भगा के आ गए एकदम फुल स्पीड में। तो भैया अभी गए यार टिकट लेने,
वहाँ सामने देखो टिकट ले रहे हैं। भैया को तो छोड़ दिया है, अभी मैं जा रहा हूँ घर वापस, क्योंकि भैया बस लेट थी तो भैया ने बोला कि यार तुम घर पे जाओ नहीं तो लेट हो जाओगे, क्योंकि यार वो जो बस वाले हैं ना ट्रैवल वाले वो बोल रहे कि भैया यार बस तो आधा घंटा लेट है, हो सकता है 8:30 या 9 बजे हो सकता है, तो भैया ने बोला घर जाओ। मैं अभी यार घर भाई और कुछ लेना तो था नहीं अपने को, जो भी लेना तो दोपहर को आके ले ही गए थे, तो अभी डायरेक्ट चलते सीधे गए। भैया घर पर तो आ गया लेकिन भाई घर पर लाइट नहीं आ रही है, तो लाइट अब क्या ही कर सकते, आती नहीं है शाम को। तो भाई यार फिलहाल ना इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि यार अभी ना एडिटिंग यार शुरू करनी है। तो वैसे यार इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करता हूँ, होप करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कर दो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में वापस, तब तक आई टी की एंड।